नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माय लाइफ सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं इंडिया की नंबर वन पेमेंट रिमाइंडर ऐप मी खाता के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और अपने सभी कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर SMS सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना टाइम गवाएं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इस ऐप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ऐप को हमने इंस्टॉल कर लिया है तो हम सिंपली ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको टॉप पर लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको हिंदी, मराठी या अन्य किसी लैंग्वेज में इस ऐप का इस्तेमाल करना है तो ये सभी लैंग्वेज दी गई हैं, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर और दूसरा है साइन इन विद गूगल। तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लॉगिन यूजिंग मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद यहां पर हमें अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर अपना नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो नंबर है ये OTP से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सेटअप नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहां से अपना बिजनेस नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई दुकान है तो आप उस दुकान का नाम दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहां पर अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर अपना नाम मेंशन कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर इन सभी कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं। फिलहाल मैं इन सबको स्किप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है सेंड SMS टू कस्टमर, इसे आपको इनेबल करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल रिमाइंडर का, तो आप जब भी रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं आप उसे यहां से सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये रिपीट का है, तो अगर आप मंथली या वीकली यहां पर रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं तो उसे आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहां बाय डिफ़ॉल्ट वीकली है, अगर आप मंथली रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर रिमाइंडर कब सेंड करना है, किस दिन सेंड करना है, आप उसे यहां से चेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली संडे पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बाकी के जो डेज़ हैं वो सभी आ जाएंगे, तो यहां से आप अपना जो डेज़ है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेनसडे मैं सिलेक्ट करता हूं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद रिमाइंडर कितने बजे भेजना है आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुबह का टाइम दिखा रहा है 3:30, तो आप इसे 3:30 PM कर सकते हैं सिंपली PM पर क्लिक करके। ओके, तो अभी आपका जो ये रिमाइंडर सेटिंग है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी जो आपका रिमाइंडर होगा वो वेनसडे 3:30 पर सेंड किया जाएगा। इसके बाद हम सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी पेमेंट रिमाइंडर सेंड हो आपके कस्टमर को, उन सभी को आपका UPI ID मिल जाए ताकि वो आपको पेमेंट कर सकें, तो इसके लिए आप यहां पर अपना गूगल पे या भीम का UPI ID नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे भी स्किप कर देता हूं। इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है अपने कस्टमर को ऐड करने के लिए। अगर आपने अपने कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर पहले से ऐड कर रखा है अपने फ़ोन में, तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। बाकी आप यहां पर मैन्युअली अपने कस्टमर का नाम और यहां पर मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने पहले से एक नंबर सेव कर रखा है, तो हम सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी जो हमने कस्टमर ऐड किया है माई लाइफ सपोर्ट के नाम से, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए हमें सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है कैश इन और दूसरा है कैश आउट। तो जब भी हम पार्टी को मटेरियल सेल करेंगे या पार्टी को पेमेंट करेंगे तो वो कैश आउट में आएगा, बाकी जब भी हमें पार्टी से पेमेंट रिसीव होगी तो वो कैश इन में आएगा। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने पार्टी को 30,000 का यहाँ पर मटेरियल सेल किया तो मैंने यहाँ 30,000 मेंशन कर दिया। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मटेरियल का या बिल का फ़ोटो लेना है तो आप यहाँ सिंपली ऐड फ़ोटो पर क्लिक करके उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ऐड नोट का, तो इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आप यहाँ पर किसी भी तरह का नोट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बिल नंबर मेंशन कर सकते हैं, ओके, या फिर आप यहाँ पर आइटम का नाम मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने आइटम सेल किया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन थी ये कंप्लीट हो चुकी है 30,000 की। इसके बाद हम सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन सेव करेंगे वैसे ही आपके कस्टमर को इस ट्रांजेक्शन का मैसेज चला जाएगा, जैसा कि आप यहां साइड में देख सकते हैं। इसके बाद जब भी कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो आपको दोबारा से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद अभी आपको कैश आउट की जगह कैश इन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर कैश इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर पार्टी ने आपको 15,000 रुपये का पेमेंट किया तो हमने सिंपली यहाँ 15,000 रुपये मेंशन कर दिए। इसके बाद अगर आपने किसी तरह की रिसीट दी है कस्टमर को तो आप यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ट्रांजेक्शन को हम सेव कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इसके अलावा कस्टमर के नाम के नीचे आपको बैलेंस भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर -15,000 रुपये दिखा रहा है, इसका मतलब है कस्टमर से हमें 15,000 रुपये लेने हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉल का भी बटन दिया गया है, जिस पर आप सिंपली टैप करके कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। The number you're calling is currently switched off. इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिपोर्ट्स का, तो अगर आप अपने कस्टमर को रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए, तो आपको यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मान लीजिए हम व्हाट्सएप के ज़रिए अपने कस्टमर को स्टेटमेंट भेजना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, माई लाइफ सपोर्ट आ गया है यहाँ पर, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी अकाउंट स्टेटमेंट होगी वो शेयर हो जाएगी हमारे कस्टमर के साथ PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो रिपोर्ट है ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी आपके स्मार्टफोन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैनुअली कोई ड्यू डेट सेट करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट सेट कर सकते हैं आप और यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि 30 तारीख के बाद इसको पेमेंट रिमाइंडर सेंड हो तो आप यहाँ पर 30 तारीख सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको टाइमिंग यहाँ पर चाहिए। ओके, तो अभी इस कस्टमर को 30 नवंबर 2019 को 12:23 पर पेमेंट रिमाइंडर सेंड होगा। इसके बाद हम सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो अगर आपको इस कस्टमर को कॉन्टैक्ट में ऐड करना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इस कस्टमर की डिटेल में कुछ भी एडिट करना है तो आपको सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको यहां पर इस कस्टमर को डिलीट करना है तो आप डिलीट कस्टमर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस कस्टमर को इंस्टेंट SMS रिमाइंडर सेंड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो इस कस्टमर को तुरंत मैसेज चला जाएगा पेमेंट करने के लिए।
इसके अलावा अगर आप पेमेंट का लिंक सेंड करना चाहते हैं तो आपको सेंड पेमेंट लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको ये देखना है कि इस कस्टमर को कितनी बार पेमेंट रिमाइंडर सेंड हुआ, तो इसके लिए आपको 100 SMS लॉक पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये SMS सेंड हुआ है कस्टमर को और इतनी बार सेंड हुआ है। बाकी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ अपने दूसरे स्मार्टफोन का, जो हमें SMS रिसीव हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं तो आप उन्हें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सभी कस्टमर की एक लिस्ट चाहिए कि मतलब मैंने कस्टमर को कितना मटेरियल सेल किया और मुझे सभी कस्टमर से कितना पेमेंट रिसीव हुआ, तो आप उन सभी कस्टमर के लिए एक ही अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जितने भी आपके कस्टमर होंगे उन सभी की जो रिपोर्ट्स होगी वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगी PDF फॉर्मेट में। बाकी आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं WhatsApp या ईमेल के ज़रिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर शॉर्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अमाउंट, डेट या कस्टमर के नाम के हिसाब से यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं और इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है बिजनेस का, तो यहाँ से आप अपना UPI एड्रेस, शेड्यूल रिमाइंडर, ये सब चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है मोर का, तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं चाहूँगा आप एक बार इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने में कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।